लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आयुष्मान भव, विजयी भव पुत्र, जीते रहो। आशीर्वाद दीजिए माँ कि हम सदैव विजयी हों। विजयी भवन, अब तुम सब लोग आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। अंततः विजय हमारी ही हुई, किंतु परशुराम का सर काटना रह गया। चिंता मत करो अनुज, भाग्य हर वक्त उसका साथ नहीं देगा। आज नहीं तो कल हम उसको वहां पहुंचा ही देंगे जहां उसके परिवार को पहुंचा दिया है। सुदर्शन देव, आप आना ही पड़ा, और इससे पूर्व भी आया था तुम्हारे पिता को समझाने, किंतु वो नहीं माने, और तुम लोगों ने भी वही भूल कर दी है, एक ब्राह्मण परिवार का वध करके। भूत? कैसी भूत? ये तो हमारी योजना का परिणाम है, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमें कितनी शांति मिली है अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर। शांति? कैसी शांति पुत्रों? परशुराम से युद्ध करके, या फिर उनके माता पिता और चारों भाइयों की हत्या करके, जिनका कोई दोष नहीं था। उस परशुराम ने हमारे पिता की हत्या की, और बदले में हमने उसके परिवार को मृत्युदंड दिया। यही गणित है प्रतिशोध का। तो फिर अब ये तर्क और वितर्क कैसे प्रभु? तुम्हारे पिता अधर्म की मार्ग पर थे, इसीलिए उन्हें दंड मिला, और अब तुम भी उसी मार्ग पर हो, परंतु इसका परिणाम और भी भयंकर हो सकता है, क्योंकि परशुराम ने अहम क्षत्रिय वंशों का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा ली है, अब वो रुकने वाले नहीं है। हमें अब उत्सव और आनंद दोनों का त्याग करके युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। अब होगा अंत परशुराम का। रुक रुक, अभी बताती हूँ तुझे, वहीं रुक। रुक जा, रुक। सताएगा राम, इसी बेलन से आज तेरी टांगे तोड़ती हूँ। रुक राम। मां को सताते नहीं। रुक रुक राम, अभी देखती हूँ कहाँ छुपता है तू आश्रम में। मुंह चाहिए, देखने दीजिए मुझे आपका भाव, देखने दीजिए। आ, पकड़ लिया। अब बता कहाँ छुपेगा? देखी मेरी माया, पकड़ लिया ना तुझे? कहीं सच में तो नहीं लगी ना माँ? मेरे राम इतना प्रेम करता है अपनी माँ से,
भक्तों से पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि अभी जाइए और कल आ जाइए। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। क्या बात है पिताश्री? पुत्र, ये दोनों चाहते हैं कि मैं ये निर्णय करूं कि इन दोनों में से महादेव का कौन बड़ा भक्त है। परंतु मेरे समक्ष और भी गंभीर समस्या है जिन पर विचार करना है, इसलिए मैं इन्हें अभी जाने के लिए कह रहा हूँ, परंतु ये मान ही नहीं रहे। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो इनकी समस्या का समाधान मैं कर दूं। माँ, आप 2 कटोरी तेल भर कर लाइए और याद रखिएगा कि वो कटोरी पूरी तरह से तेल से भरी हो। अभी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। परंतु कैसे पुत्र? लो पुत्र, लीजिए। किंतु ध्यान रखिएगा कि इस क्रम में जिसकी भी कटोरी से तेल झलका वो पराजित हो जाएगा। मैं विजय हुआ, मेरी कटोरी से तेल की बूंद नहीं गिरी। मैंने भी तो एक बूंद तेल अपनी कटोरी से बाहर नहीं आने दिया, इस प्रकार मैं भी विजयी हुआ। परंतु इस क्रम में आप लोगों ने महादेव को कितनी बार याद किया? मेरा ध्यान तो तेल पर था और मेरा इसे हराने में। अगर अभी भी आपका ध्यान इन वस्तुओं पर है और एक दूसरे को हराने की होड़ में, तो फिर आप दोनों महादेव के कैसे भक्त हुए? बोलिए, उत्तर दीजिए। आपका आशय समझ गए राम। हाँ राम, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। हर हर महादेव। पुत्र राम, ये मेरी दिव्य रुद्राक्ष की माला तुम्हें उपहार स्वरूप भेंट कर रहा हूं। जब भी हमारा स्मरण हो तुम हमें देख पाओगे पुत्र। मैं रहूंगा पुत्र परशुराम। मैंने सौगंध खाई है ना कि जब तक है वंशियों का इस पृथ्वी से संहार न कर दूं, शांत नहीं बैठूंगा। युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ठीक है, हम वाणों की वर्षा कर उस परशुराम को समाप्त कर देते हैं। Thank you.
सब तैयार हो जाइए, वो आता ही होगा। ये तो परशुराम का परशु। हाँ, किंतु ये हमारे सर के ऊपर क्यों मंडरा रहा है? एक काल समान परसु आ देगा वरदान है राम को। नष्ट कर दो इस परशु को। अच्छा, सीधे से कहो ना कि केसरिया खीर तुम्हें खानी है। उपचार की आवश्यकता है, इसे भीतर लेकर जाओ। शास्त्र हिंसा का मूल है और शास्त्र शांति का स्रोत है पुत्र।
जब तक संहार नहीं तब तक श्रृंगार नहीं, स्मरण रहे सदा। हमने अपने अपने पतियों को तो खो दिया, लेकिन हमें युद्ध में जाने की अनुमति दीजिए महारानी। युद्ध में जाकर क्या करोगी? परशुराम किसी बालक, स्त्री और वृद्ध पे वार नहीं करता। क्या तुम लोगों को इतना भी ज्ञात नहीं? पर हम तो उस पर वार कर सकते हैं। हम रणचंडी बनकर उसका लहू पी जाएंगे। लहू तो हम अवश्य ही पिएंगे, किंतु वो लहू हमें हमारी भावी पीढ़ी लाकर देगी। मत भूलो, हम पर अपना वंश बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी है। तो हम क्या करें महारानी? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करो। तुम लोगों के कोख में जो हमारे वंश की संतानें पल रही है, अब वही इस युद्ध को आगे बढ़ाएगी। इसलिए जाओ, इनका अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि यही महेश्वरी के गौरव को लौटाने वाली है। काम लेना, ये बच्चे आपके साथ हैं। पुत्र परशुराम, ये ब्राह्मण बालक है जो वो गुरुकुल में अध्ययन किया करते थे, जो है वंश के धन से चलते थे। किंतु क्या माता, जब से है वंश के क्षत्रियों के साथ तुम्हारा संघर्ष आरंभ हुआ है, तब से ये ब्राह्मण बालक वहाँ के गुरुकुलों से निकाले जाने लगे हैं। अब तो तुम ही इनके आश्रयदाता हो। मैं इन्हें आश्रय भी दूंगा और अपने आश्रम में शिक्षित भी करूंगा माता। स्वामी, क्या आज आपके भक्त परशुराम एक नवीन परंपरा आरंभ कर रहे हैं? हाँ देवी, अब परशुराम अपने शिष्यों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की ही विद्या देंगे। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है प्रभु? जब एक ही गुरु अपने शिष्यों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की ही शिक्षा दे, इससे एक संतुलन भी बना रहेगा और शस्त्र और शास्त्र एक दूसरे के ऊपर कभी हावी भी नहीं हो पाएंगे। किंतु प्रभु, क्या परशुराम पुनः कभी परशु नहीं उठाएंगे? सृष्टि का सर्वप्रथम नाद है, नाद अर्थात स्वर, और इसी स्वर से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। स्वयं भगवान शिव भी इसी से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए भगवान का प्रथम नाम ओम है। इसीलिए हर शुभ मंत्र
कार्य या परियोजना हम ओम से प्रारंभ करते हैं। तो आइए आज हम अपने इस नवीन अध्याय का आरंभ भी इसी पवित्र ओम के उच्चारण से करते हैं। सब मेरे साथ बोलो।